वीडियो हम ये जानेंगे कि कैसे MySQL अगर हम किसी डाटा को अगर सीन करते हैं तो वहाँ पर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपने MySQL पे आएंगे और यहाँ से अपनी पासवर्ड की हेल्प से लॉगिन हो जाएंगे, और लॉगिन होने के बाद यहाँ से हम कोई डाटाबेस को यूज करेंगे। डाटाबेस को यूज करने के लिए हम सिंपली कमांड लिखते हैं यूज और डाटाबेस का नेम लिखते हैं। तो हमारे केस में हमारे डाटाबेस का नाम है यूजर DB। अगर आपको नहीं पता है कि डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं MySQL में, तो हमारे ऐप 3rd से लेकर 1 को वीडियो देखिए, उसी में कोई एक वीडियो आपको मिलेगा डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए। ओके, एंटर दबे करेंगे हमारे डाटाबेस में आ जाएंगे, और यहाँ से हमारा एक टेबल है, उस टेबल में ऑलरेडी हम कुछ डाटा इंसर्ट कर रखे हैं। सबसे पहले आपको डाटा दिखाते हैं, तो यहाँ से हम डाटा देखने के लिए किसी टेबल लिखते हैं सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, और टेबल का नेम, तो हमारा टेबल का नाम है STDU एंड सेमीकोलन। जैसे एंटर दबाएंगे देखिए हमारे इस टेबल में कुछ ये डाटा इंसर्ट है, बट हम चाहते हैं कि नेम वाइज को हम असेंडिंग ऑर्डर में देखने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो डाटा जैसे था वैसे ही आ रहा है, बट इसे हम चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में देखने, तो कैसे देखेंगे? तो इसके लिए हम सिंपली लिखेंगे सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम STDU। ओके, STDU हमने दे दिया, और यहाँ से हम दे देंगे ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पे रहेगा। ओके, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय दे देंगे, और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हम कोई भी अगर असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लिखे तो सिंपली हमको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा देगा। तो देखिए यहाँ पर ये एरर आ रहा है क्योंकि हम किसी नेम नहीं दिया कि हमारा किस नेम पर ये आए। ओके, तो यहाँ पर हम देते हैं असेंडिंग बाय, और यहाँ पर हम नेम दे देते हैं। अगर हम नेम देंगे तो कॉलम को हमको नेम यहाँ देना, पर जैसे हम नेम एंटर किए तो यहाँ पर देखिए जो नेम था वो पूरा हमारा नेम क्या है असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से आ गया है। ओके, इसी तरह से हम सिटी का नेम भी दे सकते हैं। अगेन यहाँ पर आएंगे सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम STDU ऑर्डर बाय, जो भी हमारा कॉलम को अगर हम जिस ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए हम सिटी नेम दे देते हैं सिंपली, तो हमारा सिटी का जो ये है ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, एंटर किए, और यहाँ पर देखिए जो सिटी नेम था वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ से शो हो रहा है। ओके, अब इसी तरह से हम कोई कंडीशन लगा के भी दे सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हम देते हैं सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम STDU, और यहाँ पर हम देते हैं where city हमारा एक कॉलम का नेम है यहाँ पे। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि हमको वही सिटी दिखाया जाए, वही नाम दिखाया जाए जिसमें केवल उस सिटी पर्टिकुलर है, इक्वल सिंगल कोट हम लिख देंगे कानपुर। ओके, यहाँ पर हमारे इसमें ऑलरेडी से इंसर्ट है डाटा, एंड यहाँ से कॉमन। अब हम चाहते हैं हमको वही रिकॉर्ड दिखाए जिसमें तो कानपुर हो, और जो उसका नेम हो वो क्या हो असेंडिंग ऑर्डर में, तो ऑर्डर बाय नेम। अगर बाय डिफॉल्ट जो होता है ये ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग उठाता है, यहाँ पर हम इसके लिए लिख भी सकते हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑर्डर ही उठा लेगा यहाँ से असेंडिंग में, तो यहाँ पर एंटर किए तो देखिए हमें वहाँ पर वही रिकॉर्ड दिखाया जो वहाँ पर सिटी कानपुर है, और अन्य रिकॉर्ड नहीं दिखाया, और जो नेम हमें दिखाया वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया। अगर हम चाहते हैं नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने के लिए तो सिंपली यहाँ से हम डिसेंडिंग का शॉर्ट होता है DSC, ये हम एंटर करेंगे, एंड एंटर करेंगे, फिर एरर शो हो रहा है, क्यों हो रहा है ये आपको हम दिखाते हैं। ऑर्डर बाय नेम हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले, ऑर्डर बाय नेम, क्योंकि जब तक कोई कॉलम का नेम नहीं देंगे तो किसके अकॉर्डिंग दिखाएगा ये तो हम बताएं नहीं, इसलिए ऑर्डर बाय नेम, और किस ऑर्डर में आपको देखना चाहते हैं तो हम बोले डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो नेम है वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, एस के बाद आर आ रहा है, और वही रिकॉर्ड दिखा रहा है जिसका सिटी कानपुर है। ओके, अब किन केस में उस लगा हमको दो जगह अगर असेंडिंग डिसेंडिंग लगा तो कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हम अगेन लिखेंगे बेसिकली जो हमारा यहाँ पर ID हमने दिया 4, जो कि बेसिकली हमारे केस में ID 4 है नहीं, और हमारे केस में जो ID है यहाँ पर 10 करके, तो हमको वो ID दिखाया जाए जो इसके लेस देन हो बेसिकली। ओके, तो हम ID भी यहाँ पर करेक्ट देंगे, हमारा यहाँ ID दे देते हैं हम 401 करके ID है, क्योंकि हमारा ID देखिए इसमें ये पास है, इसलिए हमको ये एरर शो कर रहा था। अगेन हम एंटर करेंगे, हमको वो रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाया गया है जिसकी ID जो है लेस देन 104 से है, और जो हमारा नेम यहाँ पे दिया गया है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, जबकि जो हमको सिटी दिया गया वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से MySQL में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को यूज